हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। टॉपिक आपका है जी, हमारा बेटा सेकंड ईयर की मैथ चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। उसका जो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है, और उसका ए पार्ट ये वाला है। ए की वैल्यू कितनी है 3-1, बी की वैल्यू कितनी है 0-1, एंड हैविंग अ सेंटर एट एक लाइन है उसका नाम है जी 4x-3y-3=0। एक ए है और एक बी है, और सेंटर इस लाइन पर है जी, सेंटर इस लाइन पर दिया हुआ है जी। अब ना सबसे पहले तो इक्वेशन को समझना है आपने, तो पहले ना इक्वेशन क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन में कह रही है रहा है कि ये एक सर्कल है जी, और उसका एक पॉइंट है उसका नाम है 3-1, तो ये वाली वैल्यू आ गई 3-1। एक है जी बी, उसका जो नाम है वो है 0-1, ये बी ये है जी। एक ए है और एक बी है, और सेंटर लाइन ये है और ये सेंटर लाइन है। ये देखें, ये सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन की जो इक्वेशन उसने आपको बता दी है वो है जी 4x-3y-3। इधर देखें जी, 4x यहाँ है जी, 4x-3y-3=0। ये है सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन भी उसने बता दिया आपको। ये देखें जी, ये है क्वेश्चन की शक्ल। कल वाला जो क्वेश्चन था आपके पास, उसमें बता दिया था कि ये तीन पॉइंट दे दिए थे। आज उसने तीन पॉइंट नहीं दिए, आज उसने आपको दो पॉइंट दे दिए हैं। दो पॉइंट दे दिए और एक सेंटर लाइन दे दिया कि एक सेंटर लाइन है जिसका सेंटर तो हम आपके पास ये होता है जी, ये सेंटर है, और ये है वाली वैल्यू -g-f। आपको पता है सेंटर को क्या बोला जाता है, -g और -f बोला जाता है। सेंटर को बोला जाता है -g-f। तो सबसे पहले हम ना जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लिखते हैं जी। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ऑफ सर्कल वो क्या होती है जी? जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है जी x²+y²+2gx+2fy+c=0। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। वैन इधर देखें, अब आप क्या करते हैं, पॉइंट ए इसमें पुट कर दें। पॉइंट ए, ए की वैल्यू कितनी है 3-1। सेटिस्फाई, जब ये पॉइंट ए सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाई फॉर वन, पॉइंट ए सेटिस्फाई करती है वन को, देन आपके पास वैल्यूज कितनी आती है। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम 3, और वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम -1। एक्स के लिए 3 पुट करेंगे, वाई के लिए -1 पुट करेंगे हम। तो किस में पुट करेंगे हम, इन वन, इसमें वन में पुट करेंगे हम। यहाँ एक्स के लिए कितनी है जी, यहाँ देखें जी, एक्स की वैल्यू यहाँ इसमें पुट करेंगे हम। एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, ये देखें इधर, तो यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर, और यहाँ कितना है -1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना है 2g, सर यहाँ कितना है जी, 3, सर यहाँ कितना जी आवाज जी बोले। हाँ, क्लियर भी नहीं आ रही हो, ये स्क्रीन शो नहीं हो रही सही अच्छी तरह, सिग्नल अब वो ना का मसला आ गया इंटरनेट, आवाज। अब जरा देखें, अब सही हो गई है, सही हो गई है। वो नेट का इशू आ जाता है हल्का हल्का कभी कभी। ये देखें, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके जी पास है जी, ये देखें बिल्कुल सही हो गई है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में मैंने मैंने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दी, वाई की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दी, वाई की वैल्यू -1 पुट कर दी। यहाँ कितना है जी, 9+1-6g-2f+c=0। क्यों हुआ जी, बोले 6g क्यों क्यों हुआ, क्या 6? मैंने ये सिक्स देखो जी मेरे, क्यों हुआ, ये तो प्लस थ्री था, टू 3 to the 6 नहीं होता, हाँ तो माइनस कैसे हुआ, अच्छा हाँ तो ये माइनस का नहीं। अच्छा, ये माइनस कैसे हुआ, तो ये पॉजिटिव कर ये दें, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ भी हाँ पॉजिटिव कर दिया, हाँ पॉजिटिव ये करे हैं। पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गई, ये लाइन आपके पास आ गई 2, ये 2 आ गई लाइन, ये देखेंगे 2।
तो अब हम ना आगे करते हैं, दूसरा पॉइंट पुट करते हैं। इधर देखें, व्हेन आपके पास यहाँ जो वैल्यूज है, इधर व्हेन बी बी की वैल्यू कितनी है, 01 सेटिस्फाई फॉर वन देन फॉर वन। अब बी पुट कर रहे हैं, देन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 यहां से, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक्स की वैल्यू 0 आ गई, वाई की वैल्यू 1 आ गई, तो यहां कितना आ गया, इसी में पुट करना है, इसी में ही। इधर देखो, इसमें 0 का स्केयर 1 का स्केयर 2g है, यहां है 0 और यहां है 2f, ये वाली वैल्यू है 1 और प्लस c इज इक्वल टू 0, आपके पास आ गया। आगे बाद ये वाली वैल्यू आ जाती है जी, तो यहां कितना आता है, 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो नई क्वेश्चन जो बन जाती है वो है 2f प्लस c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन है जी, एक ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 इसका नाम है जी। ये देखें जी, आपने क्या कर दिया, फर्स्ट पॉइंट ये है था, फर्स्ट पॉइंट पुट करने से जो इक्वेशन आई ये था, सेकंड पॉइंट पुट करने से जो इक्वेशन आई, एक फर्स्ट पॉइंट पुट करने से आई है, एक सेकंड पॉइंट पुट करने से आई। अब तीसरी कौन सी निकालनी है, इधर देखें, सिंस आगे पास, सिंस सेंटर लाइन, इधर देखें सेंटर लाइन पासिंग थ्रू, सेंटर लाइन कहां से गुजर रही है, इधर देखें सेंटर लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है जी, ये देखें सेंटर लाइन कौन सी है, ये वाली, ये सेंटर लाइन है, ये देखें ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन ये, इसका नाम क्या है, 4x-3y-3, 4x-3y-3। तो ये जब लाइन सेंटर से गुजर रही है, ये लाइन कहाँ से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है, तो एक बात याद रखिएगा, तो जब ये लाइन किसी भी जगह से गुजरेगी, जब इसके करीब आएगी, ये देखें 4x-3y-3, 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 जब ये जब इधर से गुजरेगी ना, तो इसका नाम हो जाएगा एक्स की जगह जी आ जाएगा और वाई की जगह एफ आ जाएगा। क्योंकि जब भी कोई लाइन जिस पॉइंट से गुजरेगी उसके वेरिएबल वैसे हो जाएंगे, यानी कि एक्स की जगह पे माइनस जी आ जाएगा, वाई की जगह पे माइनस एफ आ जाएगा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, किसी भी कंट्री में जाने के लिए उस मुल्क का वीजा होना बहुत जरूरी होता है। मतलब ये है कि मस्जिद में जाने के लिए ऑटोमेटिकली आप वजू में ही जाते हैं, मतलब हर चीज के अपने आदाब होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। जब ये लाइन 4x-3y इधर से एक्स वाई रहेगी, इधर से सारी एक्स वाई रहेगी, ये एक्स वाई रहेगी, एक्स वाई रहेगी, जब इधर से गुजरेगी ना सेंटर से, तो इसका नाम हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, क्योंकि सेंटर की एक अपनी अलहदा अहमियत है। तो मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, इधर देखें जी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब ये इसने यहाँ से गुजरा, जब ये इधर से गुजरी, तो यहाँ क्या हुआ, सेंटर लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो सेंटर लाइन कितनी है, ये वाली 4x-3y, तो यहाँ पुट कर दो 4 × -g - 3 × -f - 3 = 0। एक्स की जगह माइनस जी, वाई की जगह माइनस एफ माइनस थ्री, एक्स की जगह माइनस जी, वाई की जगह माइनस एफ, एक्स की जगह माइनस जी आ गया, वाई की जगह माइनस एफ आ गया, एक्स की जगह माइनस जी, वाई की जगह माइनस एफ। मैंने बोला ना यहाँ वेरिएबल चेंज कर देंगे, वेरिएबल चेंज कर देंगे। तो इधर देखें, यहाँ वैल्यूज आपके पास आ गई 4, ये देखें प्लस 3f और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। मैं अब आपको बताता हूँ हमने आपने करना क्या है। देखो
ये इक्वेशन है तीन जिसको सॉल्व करना है, टू थ्री फोर को। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सी में ना ऐसा करते हैं, इधर देखो सी में ऐसा करते हैं, सी की वैल्यू यहां से निकालते हैं, सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन माइनस टू एफ, ये है सी की वैल्यू, ये है सी की वैल्यू, ये देखो सी की वैल्यू आ गई, सी के अंदर एफ आ गया। इसमें भी जी में भी एफ निकालते हैं, कितना आएगा, फोर जी इज इक्वल टू कितना आएगा, थ्री एफ माइनस थ्री, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री एफ माइनस थ्री ओवर फोर। ये देखो जी, जी के अंदर भी एफ आ गया, दोबारा देखें जरा कितना आ गया, सी के अंदर भी एफ, जी के अंदर भी एफ, सी के अंदर भी। मैंने कुछ, मैं बताता हूं अभी आपको, मैंने सी के अंदर जो वेरिएबल लिखा है ना वो एफ लिखा है, जी के अंदर जो वेरिएबल लिखा है वो भी एफ लिखा है, मैंने यानी कि जी निकाल लिया सी निकाल लिया। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं फाइव, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं सिक्स का, एक को फाइव का नाम देता हूं एक को सिक्स का नाम देता हूं। क्या करता हूं मैं, सी और जी की वैल्यू टू में पुट कर रहा हूं, सी और जी की वैल्यू किस में पुट कर रहा हूं, टू में पुट कर रहा हूं। इधर देखे मैं पुट करता हूं अब आपके सामने, जी और सी की वैल्यू पुट करता हूं जी, इधर देखो जी, नाउ इक्वेशन नंबर वन बिकम्स, इधर देखें जी, नाउ इक्वेशन नंबर वन बिकम्स, नाउ टू बिकम्स, टू में क्या पुट कर देंगे, टू में क्या है ये बताओ, ये देखो जी, सिक्स की जगह सिक्स, जी की वैल्यू कितनी है, थ्री एफ माइनस थ्री ओवर फोर, ये आ गया जी, ये जी की वैल्यू आ गई, माइनस टू एफ एज इट इज है, सी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन माइनस टू एफ प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो लगा दो, यहाँ इक्वल टू जीरो। जरा गौर से देखे मैंने क्या किया है, ये मैंने जी की वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने जी की वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी है, किस में, ये प्लस टेन है कर दी और सी में पुट कर दी मैंने, जी में भी पुट कर, प्लस टेन है क्या, प्लस टेन है, प्लस वन लिखा हुआ ना आपने, ये आ गया टेन। तो अब जरा देखिए इसका फायदा क्या हुआ है, इसका फायदा ये हुआ है कि सारे के सारे वेरिएबल जो है ना, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, सारे के सारे वेरिएबल किस में, एफ में है, सारे के सारे वेरिएबल किस, वेरिएबल किस में आ गए, एफ में आ गए हैं। अब हम यहां से इजीली एफ फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हम यहां से एफ फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब हम, क्योंकि सारे ही एफ है ना हमारे पास, सारे ही एफ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एफ फाइंड आउट इसमें किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर में फोर नजर आ रहा है ना, हम इसको पहले काटते हैं जी, ये देखो ये बन जाएगा थ्री, थ्री एफ माइनस थ्री ओवर टू, ये से काट दिया, ये थ्री और ये टू, ये कितना आ गया, माइनस फोर एफ और प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो मल्टीप्लाइड बाय टू बोथ साइड, इधर देखें मल्टीप्लाइड बाय टू बोथ साइड, बाय टू बोथ साइड, तो यहां कितना आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइन एफ आता है, माइनस नाइन, यहाँ टू है, इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर दें, ये फोर एफ है, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस टू है, यहाँ नाइन आ गया, यहाँ जीरो इंटू टू आ गया, इधर भी टू से मल्टीप्लाई, इधर भी टू से मल्टीप्लाई, इधर भी टू से मल्टीप्लाई, ये भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ टू से टू कट जाएगा, नाइन एफ माइनस नाइन माइनस एट एफ प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरो, नाइन में से ये किया एफ आ गया, तो ये कितना आ गया, प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, एफ की जो वैल्यू आपके पास आ गई है वो माइनस नाइन आ गई है, ये एफ की वैल्यू माइनस नाइन आ गई है, एफ की वैल्यू माइनस नाइन, एफ की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस नाइन। अब हमने क्या करना है, एफ को पुट कर देते हैं जी, एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो वो हमने फाइव और सिक्स लिखी थी, याद होगा आपको अभी, ये देखें वो फाइव और सिक्स में एफ की वैल्यू पुट कर देती है जी,
ये 5 और 6 में, when इधर देखें, when f is equal to -9 in 5 में पुट कर रहा हूं, c is equal to -1 -2 into minus f, ये तो -9 सॉरी, ये देखो -1 की जगह -9, 2 की जगह 2, f की जगह -9 पुट कर दिया, c is equal to -1 plus 18, c की वैल्यू आ जाएगी 17, c आ गया 17 आपका, c आ गया। अब when इधर यहाँ पुट कर दो, f is equal to कितना है -9 in 6, यहाँ पुट कर दे तो f की वैल्यू कितनी है -9 -3/4, यहाँ पुट कर दिया जी f की वैल्यू -9, यहाँ देखो -27 -3/4, ये g आ गया, g की वैल्यू कितनी आ गई, g की वैल्यू -30/4, g की वैल्यू कितनी आ गई, g की वैल्यू आ गई -15/2, ये g आ गया, g भी आ गया, c भी आ गया, f भी आ गया, g c f आ गया, g c f आ गया। आपका g f c फैन है ना, फैन और आपके घर में है जी एफ सी फैन, तो याद कर लेना आप कि हमने जी एफ सी फैन यहाँ फाइंड आउट करना है। अब हमने जी एफ सी फैन को जो है ना वन में पुट कर देना है, इस वन में पुट कर देना है। नाउ वन बिकम्स, इधर देखें, नाउ वन बिकम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू, जी की वैल्यू कितनी है जी, जी की वैल्यू है जी -15/2, ये जी। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू -9 टू एफ टू जी, अरे फिर जी की या एक्स है, सॉरी एक्स है, ये एक्स है, एक्स है टू या वाई है, सी की वैल्यू कितनी है +17 = 0, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -15 ऑफ एक्स -18 ऑफ वाई और +17 = 0, ये आपके पास इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ गया जी, ये सर्कल की इक्वेशन ये आ गई है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है जी। तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप, एक एक क्वेश्चन पढ़ लिया करेंगे देख। जी सर वो एक है ना आप, क्योंकि पता क्या ये लॉन्ग है सारे के सारे, तो वो आप देख लेंगे। सर एक आता है 4.1 और 2 से और दूसरा मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इस चैप्टर से 2 लॉन्ग आ जाते हैं, तो एक 4.6.12 से आ सकता है, दूसरा 1, 2, 3, 4, मतलब उन्होंने सिलेबस में ये शो किया हुआ है कि 1, 2, 3, 4 में से हम एक देंगे, फिर 5, 6, 7, 8 से आगे देंगे, मतलब यूं करेंगे वो, तो वो मोस्टली चांस ये होता है मोस्टली कि वो ना यहीं से आ जाता है। जी बिल्कुल, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।